हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम मेधा। सो गाइस, आज मैं खजुराहो में, मेरा सेकंड डे है और ये सेकंड ब्लॉग है खजुराहो से। तो लेट अस गो, अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो लेट्स डू सम ब्रेकफास्ट और उसके बाद चलते हैं, घूमते हैं। कल यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग घूम के आइडिया लिया कि क्या है कैसे है, तो आज चलते हैं, घूमते हैं। बस ब्रेकफास्ट आ जाए, ब्रेकफास्ट करके तुरंत यहाँ से निकलते हैं। हम लोग आ गए हैं खजुराहो मंदिर के सामने और ये यहाँ का टिकट काउंटर है। वी हैव टू टेक टिकट यहाँ से। एक आदमी का 40 रुपीज़ पड़ेगा और ये आपको मैं दिखाऊँ गाइड्स का रेट यहाँ का। तो आज हम लोग के साथ हमारे गाइड हैं। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम सचिन है। ओके, तो सचिन जी आज हम लोग के साथ गाइड हैं, हम लोग को अंदर पूरा घुमाएंगे और हम लोग के साथ रहेंगे। लेट्स गो। कई रीज़न है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरे भारत में लगभग 36 या 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन उन्हें तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो सबसे सुंदर एंड सबसे ज़्यादा फेमस है अपने पर्टिकुलर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो आर्किटेक्चर विकसित हुआ उसको नाम दिया गया नागरा आर्किटेक्चर, अर्थात चेतना का प्रसारण होता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आप देखें खजुराहो हैज अ वेरी यूनिक आर्किटेक्चर, सो खजुराहो इज नोन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर एज अ खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने, जैसा कि हम लोग के गाइड जी ने बताया कि यूनेस्को ने 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था बिकॉज ऑफ यहाँ के क्रेविंग्स, यहाँ का जितना अच्छा आर्ट है और जितना अच्छा यहाँ पे बनाया है इन्होंने। यहाँ पे हर एक मूर्तियों का फेस एक्सप्रेस तक बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है, इट इज़ विजिबल और बहुत सुंदर है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स, इधर भी मेरे इस साइड भी, इट्स ऑल वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स। अच्छा, डोंट ब्रिंग ट्राईपॉड यहाँ पे ट्राईपॉड इज़ नॉट अलाउड, आपको बिना ट्राईपॉड के काम चलाना पड़ेगा। किसी भी तरह का ट्राईपॉड, चाहे वो गोप्रो का हो चाहे वो नॉर्मल ट्राईपॉड हो, इट इज़ नॉट अलाउड। वीडियो कैमराज आर अलाउड, फ़ोटो कैमराज आर अलाउड, बट ट्राईपॉड इज़ नॉट अलाउड। इसके पीछे सिंपली एक रीज़न है कि यहाँ का जो मिनिस्ट्री है उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उनके गाइडलाइंस हैं जिसमें ये चीज़ अलाउड नहीं है, सो डोंट ब्रिंग ट्राईपॉड्स। तो ये हम लोग का फर्स्ट टेम्पल है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। सो गाइज, लेट मी ब्रीफ यू आउट समथिंग अबाउट द टेम्पल्स। आप इसमें देखेंगे एक टेम्पल बीच में, एक टेम्पल है उसके चारों साइड और छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। ये मंदिर जनरली इन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो मूर्तियाँ बनी हैं ये एकदम ऐसा नहीं है कि बस बना दी गई, ईच एंड एवरी मूर्ति रिप्रेजेंट्स सम और दी अदर लाइफ स्टाइल, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे वो हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स हो। इन्होंने इसमें तरह तरह की चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं और हम लोगों को समझाई हुई हैं। और कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉक्स एंड बुल स्टोरी नहीं है, जो भी है सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है। एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर से बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बिना गाइड के आप मत आइए, क्योंकि आप यहाँ समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये मंदिरों का कॉन्सेप्ट, जो हम लोग की सोच है, इससे बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और जो लोग खजुराहो को सिर्फ और सेक्स जानते हैं, नहीं, इट्स जस्ट अ पार्ट, और वो भी जो सेक्स है वो नॉर्मल जो हम लोग समझते हैं वो नहीं है, दैट इज़ वे ऑफ मोक्ष, जो हमारे भेद तक जाता है और हमारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यहाँ हम लोग लाइफ स्टाइल भी सीखेंगे, जो कि हम लोग को लगता है हम मॉडर्न हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे 1100 BC से ही लोग मॉडर्न थे। तो लेट्स गो एंड सी अदर टेम्पल्स एज वेल।
ये जो पेड़ है इसको पुत्र जीवा कहते हैं, जो मिसअंडरस्टूड है किसको खाने से बेटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लेडीज़ के लिए है इसका फल जिनको बेबी नहीं हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम है, ये उनके लिए ये फल है। तो यहाँ पे वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे मंदिर में भी अंदर जो आप मूर्तियाँ देखेंगे वो एक गर्भ जैसा बना है, लाइक अ वोम्ब। यहाँ पे आप आइए बिना गाइड के, यहाँ बताइए, वो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे तो यहाँ हर चीज़ जानने में आपको पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, वो भी कम है, बट यू कैन। तो चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, उसके बाद यार आगे चलते हैं, अभी तो भूख लगी हुई है। द जगदम्बिका टेम्पल एंड द शिव टेम्पल। यहाँ पे 11 मंदिर हैं। दीज टेम्पल्स आर मोस्टली रिलेटेड टू लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शक्ति। तो यहाँ पे आपको मोस्टली 3-4 टेम्पल के बाद जो टेम्पल्स हैं उसमें एक ही तरह के डिज़ाइंस और मूर्तियाँ मिलेंगी। तो जो मेन टेम्पल्स हैं उनको आप ध्यान से ज़रूर देखें, कि मान लीजिए अगर आप थक गए हो, आगे नहीं जाना चाहते हो, तो कम से कम आपको प्रॉपर नॉलेज इनके ज़रूर से रहे। तो अब हम लोग जा रहे हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरफ, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने सारी मूर्तियों को प्रॉपरली देखा। चलते हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है, कैसी है चीज़ें। यहाँ का एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपने पार्किंग के लिए कहीं पे पर्ची ली है तो वो पूरे दिन आपका वर्क करेगा। जो आपने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मंदिर्स में पर्ची ली है वो भी हर जगह काम करेगी। तो आप एक जगह पर्ची लें वो पूरे दिन आप यूज़ करें। तो ये जो आप देखिएगा, ये जैन मंदिर है और इसके बारे में हमारे साथ जो गाइड है वो हमको ब्रीफ आउट करेंगे। तो आज का लंच है हमारा पिज़्ज़ा एंड डेस्टिनेशन इज़ गूगल के रिव्यूज़ से, ट्रिपएडवाइजर के रिव्यूज़ से तो यही सुना है कि यहाँ का पिज़्ज़ा इज़ वेरी नाइस। तो ट्राई करके देखते हैं कि हाउ इज़ द पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के साथ साथ पास्ता भी अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो लेट्स गो एंड सी। रात के 8:30 बज चुके हैं और आज के जो प्लान्स थे मंदिर घूमने के बाद, बड़े बड़े लाइट एंड साउंड शो के, फोक डांस देखने के, कुछ नहीं किया मैंने। इतना हम लोग थक गए थे, धूप लगी थी दिन में, वहाँ इतना चलना पड़ा खड़े खड़े, यू नो, थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया। रेस्ट करने गए तो नींद लग गई, सो गए, तो और कुछ आज हो नहीं पाया। अब सारा चीज़ कल पे ड्यू हो गया है। तो कल का प्रोग्राम तो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि क्या क्या है यहाँ की, जो आसपास की चीज़ें हैं कुछ वो भी कवर होंगी। थोड़ा रात में मौसम ठंडा हो जा रहा है, दिन में धूप ही रहती है, तो प्लेजेंट वेदर है, सही है। तो दिस सीम्स लाइक फुल्की का मार्केट है यहाँ पे,
और 5 मिनट यहाँ खड़े होकर डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया मस्ताना टिकिया सेंटर पे हम लोग फुल्की खाएंगे। चलो आओ फुल्की खाएं। तो आज का खाना हो गया, आज का खाना फुल्की था। तो अब चाय का वेट कर रहा है, चाय पी के चलते हैं वापस होटल में। यहाँ पे सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है, लोग दिख नहीं रहे हैं, सारी शॉप्स भी बंद हो रही हैं। हाय डॉगी, हाय डॉगी, ये इसका हाय था। चलो फिर चलते हैं चाय पी के वापस घर। आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको राने फॉल्स में दिखाऊंगी, यहाँ का जो गांव है गांव की खूबसूरती दिखाऊंगी। यहाँ के गांव का स्ट्रक्चर बहुत ही मॉडर्न विलेज टाइप का है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ ज़रूर से मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना और इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट भी देखना। लिंक आप मिल जाएगी आपको वीडियो के एंड में, वीडियो एंड ही हो रहा है तो लिंक मिल जाएगी। इस का भी लास्ट ब्लॉग ज़रूर से देखो। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।